हेलो डियर सीए स्टूडेंट, अगर आप सीए कोर्स के लिए एस्पायर कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। सो सीए न्यू सिलेबस आने वाला है। द टर्म हैज बीन अनाउंस्ड, इट इज मई 2024। अगर आप सीए कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं फाउंडेशन के लिए, तो 2 अगस्त 2023 से अगर आप रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट में करेंगे तो यू विल बी कंपल्सरली एनरोलिंग इन द न्यू कोर्स। अगर आप इंटर और फाइनल में रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो 1 जुलाई 2023 ऑनवर्ड्स द एडमिशन विल बी गिवन इन द न्यू सिलेबस, दैट द न्यू कोर्स। सो लेट्स हैव अ क्विक ग्लांस ऑन थ्रू दिस फ्लो चार्ट ऑन द न्यू सिलेबस। सो दिस न्यू सिलेबस इज considered as an international standard syllabus of our accountancy profession. It is recognized by many of international organizations as well as all our ministries of government of India. तो ये syllabus हम लोगों को बता रहा है कि आप CA में घुसने के लिए पहले जैसे ही foundation route या direct entry route के through जा सकते हो। अगर आप फाउंडेशन रूट से जा रहे हो तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 10 का होना चाहिए इन ऑर्डर टू रजिस्टर इन द इंस्टीट्यूट, बट यू विल बी एलिजिबल टू अपियर इन जून और दिसंबर एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर अपियरिंग इन क्लास 12। सी, ओनली आफ्टर अपियरिंग। अगर क्लास 12 का रिजल्ट नहीं भी आता तो कोई बात नहीं है, बट आप क्लास 12 का अपियरेंस का एडमिट कार्ड का प्रूफ देकर फाउंडेशन अपियर कर सकते हो। तो दिस इज द फाउंडेशन रूट। फाउंडेशन रूट में फिर आपको एग्जाम देने के बाद क्लास 12 का रिजल्ट इंस्टीट्यूट को सबमिट करना पड़ता है। दैट्स अ प्री क्राइटेरिया टू गेट योर रिजल्ट्स ऑफ फाउंडेशन, एंड देन फाउंडेशन एग्जामिनेशन के बाद आप इंटरमीडिएट के लिए क्वालिफाई होते हो। कभी कभी कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास 10, 12 से इतना अवेयर नहीं होते कि उन्हें सीए करना है, उनको अलाइनमेंट नहीं होता विजन का कि मैं अपने जिंदगी में सीए प्रोफेशन में आना है। तो इंस्टीट्यूट ऑप्शन देता है कि आप डायरेक्ट एंट्री रूट से, अगर कॉमर्स के ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो तो कम से कम 55% मार्क्स आपके आए हुए हैं लास्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में, और अगर आप अदर देन कॉमर्स हो तो कम से कम 60% मार्क्स आए हुए हैं तो आपको फाउंडेशन नहीं देना है। या फिर इसके अलावा आपने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, और या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज का इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, तो वहां का इंटर पास किया हुआ है तो यहां का फाउंडेशन नहीं देना है, बट यहां का इंटर देना पड़ेगा। वहां का इंटर यहां का इंटर मैच नहीं करता। और अगर आप ग्रेजुएशन अभी भी परस्यू कर रहे हैं तो इन द लास्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन ऑल्सो यू कैन रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट कोर्स। ऑफ कोर्स ओवर द टाइम यू विल हैव टू सबमिट द रिजल्ट ऑफ योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विद द डिजायर्ड मार्क्स व्हिच इंस्टीट्यूट वांट्स। तो इंटरमीडिएट में आकर आपको 6 पेपर्स पढ़ने होंगे। न्यू सिलेबस में पुराना 8 होता था, 6 हो गया है। 6 पेपर्स पढ़ने होंगे और उसके बाद आप 8 महीने के बाद, रजिस्ट्रेशन के 8 महीने के बाद इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हो। ऑप्शन है कि आप ग्रुप बाय ग्रुप भी दे सकते हो या फिर दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हो। एक एक ग्रुप में 3-3 पेपर होते हैं। अब आप अगर बोथ ग्रुप एक साथ देते हो तो ध्यान रखना, इट विल सेव योर 6 मंथ्स टाइम। And now since the number of papers have reduced from 8 to 6, it is completely possible that you can give both groups easily together. तो अगर आपको कोई guide करे कि group by group जा, वो बोलना कि आपका वो पुराना में होता होगा, नहीं मैं तो अभी 6 paper हो गया, मैं दोनों ही दूंगा। पहले पुराने course में direct entry route वाले को articleship 9 महीने complete करके inter में आना पड़ता था, अब वो criteria यहाँ से हटा दिया गया। तो अब मेरे दोस्तों, अगर आप बीकॉम दे रहे हो, लास्ट ईयर में हो, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट यू शुड ग्रैब दिस कोर्स एंड मेक योर फॉर्च्यून एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड इमीडिएटली यू कैन जंप इनटू इंटरमीडिएट स्टडीज। 8 मंथ्स का जो दिया हुआ उसमें सारी कोचिंग क्लासेस हो जाती है और सारे के सारे रिविजन भी हो जाते हैं। फिर आप दोनों ग्रुप देकर इंटरमीडिएट
पास करेंगे। इंटरमीडिएट पास करने के बाद इंस्टीट्यूट की तरफ से एक इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स होगा, जो कि किस तरह से करवाया जाएगा वो ड्यू कोर्स में इंस्टीट्यूट हमें बताएगा, तब हम आपको बता पाएंगे या आपको पता चल जाएगा। और आपको उसके साथ आर्टिकलशिप, जिसका नाम कर दिया अभी पीटी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आपको करना पड़ेगा। पहले हम लोग उसको आर्टिकलशिप बोलते थे, अभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोल रहे हैं, ठीक है। वो 2 साल का आर्टिकलशिप आपको तभी स्टार्ट करना है जब आप ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला और सॉफ्ट स्किल वाला कोर्स को खत्म कर लेंगे। ये 2 वीक्स का होता है इन जनरल। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी न्यू कोर्स में ये सारा का सारा फिजिकल सेंटर्स पे जाके करना भी पड़ सकता है। ये ऑनलाइन होगा कि फिजिकल होगा ये वक्त बताएगा। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी हो सकता है, तो अभी तो रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट इवेंचुअली आगे जाकर ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी बन सकता है बहुत जल्दी। आपको जाके रह के करके आना पड़ेगा, कितना मजा हो जाएगा, मतलब आपको लेकर कैंपस लाइफ जी कर आए। बट अभी फिजिकल सेंटर पे जाके ऑनलाइन जैसे भी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करेंगे वैसे आपको करना है। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इसके बिना आप स्टार्ट नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पहले हम लोग 3 साल का इंस्टीट्यूट में करते थे, जिसमें 2.5 साल के बाद हम लोग सीए का एग्जाम फाइनल का देने चले जाते थे, और फिर एग्जाम खत्म होने के बाद हम लोग 6 मंथ्स और सर्व करते थे। तो वो कल्चर अब हटा दिया गया है कि अब फोकस्ड विदाउट गैप आपको 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना है। देखिए 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना है, और पैरेलली उस 2 साल के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आप इंस्टीट्यूट के सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स फाइनल में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। देर आर 4 मॉड्यूल्स विच आर गोइंग टू कम। वो 4 मॉड्यूल्स आपको घर पे पढ़ के पास कर लेने हैं। उसकी क्लासेस की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी वो वक्त बताएगा, बट वो 4 मॉड्यूल्स आपको उस 2 साल के दौरान पढ़ के घर में पास करना है। उसके बाद आप अपना 6 मंथ्स का प्रिपरेशन लीव लेंगे, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के 6 महीने बाद ही आप अपना फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। तो वो 6 महीना एक्चुअली रिवीजन के लिए भी चाहिए होता है, ठीक है। तो वो 6 महीना रिवीजन के लिए मिला है, या फिर आप समझ लो फाइनल का प्रिपरेशन के लिए मिला है। तो अगर आप इस 2 साल में मान लीजिए साथ साथ अपने क्लासेस भी कर लेते हैं, 6 सब्जेक्ट फाइनल में वापस है, तो वो 6 सब्जेक्ट की क्लासेस भी आप कर लेते हैं, प्लस ये 4 भी कर लेते हैं, तो ये 6 मंथ्स आप सिर्फ रिविजन करके एक ही बार में एग्जाम पास कर सकते हैं। और अगर मान लो यहाँ पे सिंस सेल्फ पेज मॉड्यूल का भी लोड है, आर्टिकलशिप का भी कंसिस्टेंट लोड है, तो अगर ऐसा हो कि आप ना कर पाए तो कोई नहीं है। आप अगर फोकस्ड पढ़ाई करेंगे तो मुझे लगता है कि इस 6 महीने में 3 महीना आप क्लासेस ले लीजिए और 3 महीना आप रिविजन करके दोनों ग्रुप एक साथ दीजिए। अब मुझे लगता है कि बिकॉज नंबर ऑफ पेपर्स रिड्यूस हो गए हैं, तो अब आपको थोड़ा सा एफर्ट बढ़ाकर अपने जिंदगी का 6 महीना इंटर में और जिंदगी का 6 महीना फाइनल में बचाना चाहिए, 1 साल बचाना चाहिए, 1 साल और काम करके खूब पैसे कमाने चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए, समाज सेवा करना चाहिए और नेशन को बिल्ड करना चाहिए। वो 1 साल बचाना जिंदगी का जरूर चाहिए बाय गिविंग अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट। इसके बाद अगर मान लेते हैं आप फाइनल कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो भी इंस्टीट्यूट कह रहा है कि आप आर्टिकलशिप पास करने के बाद एक डिग्री ले सकते हो, विच इज बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट सर्टिफिकेट। यू कैन यूज दैट डेजिग्नेशन एंड अप्लाई फॉर जॉब्स दैट विल बी इक्वली रिकॉग्नाइज्ड। ऑलराइट, तो ऑफ कोर्स दैट इज नॉट एज इक्विवेलेंट एज सीए। उसके बाद जैसे ही आप दोनों ग्रुप फाइनल का पास कर लेते हैं, ठीक है, दोनों ग्रुप जैसे ही फाइनल का पास कर लेते हैं, यू बिकम द सीए। यू कैन देन अप्लाई फॉर मेंबरशिप ऑफ आईसीआई एंड देन यू बिकम द ऑफिशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो दैट्स हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। एक एस्ट्रिक्स में लिखा हुआ ऑन सबमिशन ऑफ फाइनल ईयर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट्स विद प्रिस्क्राइब मिनिमम मार्क्स द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन विल बी कंफर्म। तो ये मत सोचना कि अगर इंस्टीट्यूट अलाउ कर दिया आपको यहाँ पर कि आप रजिस्टर कर लो तो वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है, आप मार्कशीट तो सबमिट करना ही पड़ेगा वरना वो एडमिट कार्ड रिलीज नहीं करते। इस यहाँ पर फाउंडेशन में एग्जाम देने देते हैं, बट अगर आप मार्कशीट सबमिट नहीं करते तो कई बार रिजल्ट आउट नहीं होता। तो मार्कशीट सबमिट तो करना ही पड़ता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। सो दिस इज द न्यू सिलेबस एट अ ग्लांस, एंड इफ इट बेनिफिटेड यू देन इफ यू थिंक दैट सम ऑफ योर फ्रेंड्स ऑल्सो नीड दिस इंफॉर्मेशन, प्लीज डू शेयर विद देम
and if it has benefited you, please press a like button so that YouTube helps me to reach to more people with this video. I just tried to explain in a very simple language what will be the new syllabus at a glance, and in case you have any kind of query related to this, do not hesitate to reach out to us. Do not hesitate. Please do not hesitate. We are here to help you in all possible means. Thank you so much, and I wish you a very successful journey towards your CA degree, and I welcome you with open heart, open hands. Come, let's become CA together. We will work hard for you. We will work smart for you. We will work in an enjoyable way for you to help you to become CA. Thank you so much.